गेवाम को इस आम आदमी का सलाम। भैया पाकिस्तान कुछ टाइम से वो आईफोन बना हुआ था जो फैक्ट्री लोग हो गया था सारा, अपडेट ही नहीं हो रहा था, अपग्रेड ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब कुछ अपडेट और अपग्रेड होने लगा है। कुछ न्यूज सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर कुछ न्यूज चल रही है जैसे कि ये और ये। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो न्यूज है ये। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ तीन बातें करेंगे। पहली हम गवर्नमेंट की वाहवाही करेंगे, दूसरी हम अपना जमहूरी हक पूरा करेंगे, और तीसरा हम अपनी सस्ती राय देंगे। सस्ती राय देंगे भाई, अभी फिलहाल जेब बेजोस से बेगेट्स तो है नहीं जो हमारी राय महंगी हो। तो चले आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे महकमा रेलवे के 93 अफसरान 9 अगस्त से चीन का दौरा करेंगे। रेलवे का मुरासला जारी किया गया है जिसके मुताबिक चीन से 230 बोगियों की दरामद के लिए रेलवे अफसरान चीन का दौरा करेंगे। तो खवातीन हजरात, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें लग्जरी दी। लेकिन साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि दुनिया हाइड्रो पावर और बुलेट ट्रेन की तरफ आ गई है और हम अभी नई कोशिश की तरफ जा रहे हैं। हम इतने ही सुलह हैं जितने कुछ लोग माशाल्लाह उर्दू सीखने में सुलह हैं, समझ रहे हो। लेकिन खैर ये तो मजाक की बात है क्योंकि काफी बुजुर्गों ने भी कहा है, बहुत जगह हमने पढ़ा भी है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल होगा और हो सकता है कि हम जीत भी जाए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए जरूरी थी क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को भी हक है कि वो लग्जरी ट्रेन में सफर करे। अब तक हम ट्रेनों में इसमें उसमें धक्के खाते जाएंगे जबकि हमारे पास हमारा रेलवे सिस्टम है। और अभी के रेलवे सिस्टम में तो आप सब जानते हैं कि सीट पर बैठने से ज्यादा मसला तो वॉशरूम में बैठने में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लोटा आपकी तशरीफ पर नहीं आएगा, आपको आपकी तशरीफ लोटे तक ले जानी पड़ेगी। लेकिन कुछ समझदार लोग है जो जाते जाते वॉशरूम साफ करते हुए जाते थे, और कुछ नमकियात की कमी वाले भी लोग है जो अपने दस्तावेजात वहीं छोड़ के चले जाते थे। यहाँ तो हो गए गवर्नमेंट की वाहवाही। अब इस बात की खाल उतारते हैं कि इस बात में मसला क्या था। मसला कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये चीज पाकिस्तान में इनहाउस भी हो सकती थी, लेकिन चलो किसी न किसी वजुहत की वजह से ये चीज हमें, ये कोचिज हमें चाइना से खरीदनी पड़ी। चलो हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 93 लोग चाइना गए हैं इन कोचिज को खरीदने के लिए। इसमें से कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए गए और कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से गए हुए हैं। लेकिन भाई 93 लोग, अभी अगर हम थोड़े से अगर थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, मतलब हम अभी थोड़ा व्यापारी बन के अगर हिसाब करें तो 93 लोगों को गवर्नमेंट अलाउंस दे रही है 100 रुपए रोज का। 100 रुपए रोज का मतलब है 9,300 रुपए पर डे। अगर ये बंदे 30 दिन भी वहां रहते हैं तो ये हो गया $2,79,000 30 दिन के इन 93 लोगों का सिर्फ डेली अलाउंस। इसके बाद टिकट का खर्चा, होटल का खर्चा, वो तो अलग है। अब अगर इस $2,79,000 को हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो पता है कितना बनता है, बहुत सारा 6 करोड़ 10 लाख रुपए तक की अमाउंट बनती है। और जो इधारा वैसे ही खसाड़े में वो 6 करोड़ 10 लाख रुपए अपने बंदों को दे रहे कि जाओ घूमो फिर ऐश करो। मतलब भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। 93 लोगों के लिए 6 करोड़ 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। और इसमें एक और मजे की बात है कि भाई जो 93 लोग गए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, उनमें से कुछ कुछ क्या बहुत सारे तो ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंचे जाने से पहले भाई साहब रिटायर हो जाएंगे। इसके बारे में हम ये भी कर सकते थे कि अपने को 10-12 लोग वहाँ भेज देते, वहाँ से वो सीख कर आ जाते, यहाँ पे बड़ा सेमिनार करके लोगों को सिखा देते, NET यूनिवर्सिटी के बंदे उठा लेते, डाउ यूनिवर्सिटी के बंदे उठा लेते, लड़के उठा लेते, लड़के टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ काम करते, रोजगार भी मिलता। लेकिन अब वो 60 और 62 साल की उम्र के लोग गए वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो भाई हो गए हमारी तरक्की तो नहीं। तो अपने चाइना जाने लंगर बट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। अब आती है हमारी सस्ती राय की बारी। तो गवर्नमेंट को हम सिर्फ यही मशवरा दे सकते हैं और तो कुछ दे नहीं सकते कि भाई आपने जो ये लग्जरी ट्रेन निकाली है ये आवाम के लिए निकाली है, तो इसको हर नॉर्मल बंदे के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसकी टिकट 10,000-12,000 हुई तो भाई बंदा चाहे वो वहीं घूमेगा, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का इस वक्त सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है डायवो। डायवो पाकिस्तान को इनसे, पाकिस्तान रेलवे को इनसे कम्पीट करना है तो भाई अपनी प्राइसिंग पे काम कर लेना। ऐसा नहीं 10,000-12,000 रुपए की इन ट्रेन की टिकट हो, फिर पता चल जाए कि इस्लामाबाद जा भी खाली रही है, आ भी खाली रही है, और फिर वापस चाइना भी
हम डब्बे ही वापस भिजवा रहे हैं, उनकी लोन तो हम पे कर नहीं सकेंगे। तो भाई इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज को हर बंदे के लिए अवेलेबल रखना, और एक राय गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी आवाम को कि भाई इन कोचिज की मेंटेनेंस सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बंदे रखे झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। जैसे दस्तावेजात हम अब तक छोड़ते आ रहे हैं, वो दस्तावेजात अपने अपने लपेट लें, साफ करके बाहर निकले, ट्रेन को साफ सुथरा रखें ताकि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम हो जाए। फिर गवर्नमेंट और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया पाकिस्तान की आवाम को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।